आज हम आपको दिखाते हैं हमारा जो 40,000 चूजे ऐसे ही इसके जैसे मैंने आपको बताया था ना, इसकी फीड लाइनें नीचे हो जाएंगी। ये मेन हॉपर है, इनके अंदर फीड आती है सबसे पहले, और हमारे इस शेड में 3 वाटर लाने हैं और 2 फीड लाने हैं तीसरी, और फिर इसका नीचे प्रेशर होता है, प्रेशर कम करते हैं ज़्यादा, फिर 58, और ये ऊपर टाइम है। सलाम अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ इमरान वान, आप देख रहे हैं PPC फार्मिंग। आज हम आपको दिखाते हैं हमारा जो 40,000 चूजे की कैपेसिटी का दोस्त है ना, जिनको अगले में H9 का इंजेक्शन लगने की मैंने आपको वीडियो अपलोड की है, आज उस चूज़े की आपको कंडीशन दिखाते हैं। माशाल्लाह वो आज हो गया है 10 दिन का, 11वां दिन उसका स्टार्ट है, तो आए जी। इस जगह पे ना अभी हमारा चूज़ा नहीं आया, क्योंकि इसे ना आस्ता आस्ता खोलते हैं, ठीक है। ये भी कुछ पिलर मारे रह गए हैं, कुछ जगह बकाया रह गई है, इंशाल्लाह वो भी कुछ अगले दिन में हम दे देंगे, आपको दिखाएंगे जी। ये माशाल्लाह चूज़ा जी, ये 10 दिन का हो गया, ऐसे ही इसके जैसे मैंने आपको बताया था ना, इसकी फीड लाइनें नीचे हो जाएंगी। ये फीड लाइनें देखे ना, ये सारी ही हमने नीचे कर दी हैं। इनको ना हमारा तरीकाकार ये है, हम ना इनको 2 दिन मतलब के हाथ से लड़के फीड डालते हैं, और उसके बाद हमारी फिर फीड लाइनों की मशीनें जो सी है ना, वो हम मतलब फीड लाइन की मशीन के अंदर से हम फीड गुजार के पहुँचा देते हैं डब्बों के अंदर। आजकल थोड़ा सा मसला इशू आ रहा है कि नमी नहीं कंट्रोल हो रही ना, तो हमारे को 2-3 फार्मूले हैं नमी के बारे में, इंशाल्लाह मैं आपको भी वो अगली वीडियो में बताऊँगा। उससे ना नमी काफ़ी हद तक कोई 10-12 पॉइंट का फर्क पड़ जाता है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही ये इसके मेन हॉपर हैं, इनके अंदर फीड आती है सबसे पहले, फिर आगे जाती है। बाइट भी है एक हॉपर फीड स्टोर में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ बाइट जाकर। हमने ना 2 गार्ड बनाए हुए हैं, पंखों वाला गार्ड ये लहदा है हमारा ये वाला, और जो ये ना रेगुलेटर है जिधर से ना पानी जाता है आगे लैनों में, ये वाटर लाइन है, आगे चूजा पानी पी रहा है माशाल्लाह। दूसरी लाइनों के रेगुलेटर हैं जिधर से पानी जाता है लाइनों के अंदर, आगे चूजा पीता है पानी। और हमारे इस शेड में 3 वाटर लाइन हैं और 2 फीड लाइन हैं तीसरी वो है। वाटर लाइन का काम ये होता है, ये जो रेगुलेटर है ना, इससे हम प्रेशर जो निप्पल का प्रेशर होता है ना, वो मतलब जो छोटा चूजा होता है वो निप्पल हल्की चाहिए उसे ना, हल चोंच लगाए साथ ही पानी आ जाए, वो फिर इसका नीचे प्रेशर होता है, प्रेशर कम करते हैं ज़्यादा, फिर डे बाई डे इसका प्रेशर जो हम तेज़ करते रहते हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा आए लाइनों के अंदर ना। ऐसे ही ये आगे पैडम वाला गार्ड है, 2 गार्ड बनाए हुए हैं हमने, तो ये हमारे आगे मीटर आ गए हैं, ये मेन सेंसर है नीचे जो पड़े हुए हैं ये वाले, जो बाई टेम्प्ट्रोन के अंदर शो करवाते हैं टेम्परेचर। ये दूसरा है हमारा डिजिटल टेम्परेचर मीटर जो नमी बताता है और टेम्परेचर बताता है। ये जो होस के अंदर टेम्परेचर ना, ये झोंपड़ी के अंदर, ये एक होस का है, मतलब कि होस नंबर 3 का टेम्परेचर है, ये 29.6 बता रहा है टेम्परेचर, और नमी 90 है। और जैसे कि ये है, ये हमारे ऊपर वाले शेड के अंदर सेंसर लगा हुआ है इस मीटर का, ये ऊपर वाले शेड का टेम्परेचर बता रहा है, 30.1 बता रहा है टेम्परेचर, और नमी 58, और ये ऊपर टाइम है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में।